सभी की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो छोटी माँ कह के पुकारती थी और ये ओबामा ओबामा कह के पुकारती हैं। आई ओबामा से मिलने का इतना ही शौक है तो लियारी क्यों नहीं चली जाती, भरे पड़े हैं वहां पे। तो ये इक्तदार की सास कब आएगी, गा गा के मेरा हलक फूक गया। बड़ा तुमने गा दिया, सुना नहीं तुमने, ढोल तो बजाना आता नहीं तुमको। दूल्हा आया है पजामा कुर्ता मासक के। इक्तदार भाई आप तो ऐसे तैयार हुए जैसे आज आपकी बारात है, आपकी सास तालुकात बहाल करने आ रही है, रिश्ता करने नहीं आ रही। एक बार में घर में कदम रखने दे बस, फिर देखिएगा। क्या रैंसम मांगोगे मियाँ? बात सुनो, तुम लोग ये नदीदापन करना छोड़ दो, समझ आइए ना। वैसे इख्तियार बहुत नाराज है उनके यहाँ आने से, कह रहे थे कि पहले रिश्ता तोड़ते हुए ख्याल नहीं आया तुम लोगों को क्या? इख्तियार भाई को अपना वक्त याद नहीं है, याद है आपको पिछली बार जब आए थी कैसे साए की तरह पीछे पीछे लगे रहे थे और मुझे पास तक नहीं फटकने दिया था उन्होंने। इस बार आने दे उन्हें, आने दे उन्हें, इस बार दामन पकड़ लूंगा मैं उनका और उनसे कहूंगा अखियां मिला के जिया भर मार। चंदमना तुम यार गाने गा रही हो, आई हाय पजामा तो छोड़ा भर जाएगा क्या? छोड़ा तो गिर जाएगा। असारबा नहीं डाला था क्या? डाला था लेकिन बाहर सिक्योरिटी वालों ने निकाल लिया। इख्तियार भाई की बेल्ट भी खींच ली और अब वो अंदर आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं तुम कौन? मैं दूल्हा। और तुम कौन? मैं समधन। तुम कौन हो? मैं कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, ऐसा तो कोई हमारी लिस्ट में है ही नहीं, पकड़ लो से ले चलो। चलो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आज दूल्हा फट जाएगा वरना फट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फटने वाली चीज ही नहीं है, ढोल है, नहीं फटेगा। अरे सोच क्या रहे हो, उठाओ उठाओ, करता गिराता कुछ नहीं, शोर मचाता है। यही है सर, यही है जिसे हम 15 साल से तलाश कर रहे हैं। 15 साल से कैसे तलाश कर सकते हो? 15 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। अरे ढोल की बात कर रहे हैं। अरे करे अरेस्ट कर ले भाई, अरेस्ट करे। अरे मुझे क्यों अरेस्ट करवा रहे हो, मैं तो सिर्फ ढोल बजाने वाली हूँ। बहुत शौक था ना ढोल बजाने का, है कश्मीर का दुख ढोल, फलस्तीन का दुख ढोल, चीनी का दुख ढोल, एनआरओ का दुख ढोल, अफ्रीका में बंदर मरा ढोल। ले चलो से गाड़ी में बिठा, चलो बड़ा बच्चे चले चले चले, शाबाश 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 करें। चलो तमन्ना की तमन्ना तो पूरी हुई बगैर वीजे के अमरीका। ये सी बहानी, मैं भी कुछ दिन सो जाऊंगा। सर पजामा क्यों खड़ा हुआ है, चेक कर उसको। नहीं 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 भाई, बिल्कुल नहीं नहीं। अरे बावले हो गए हो क्या है? ये दूल्हा है, अपनी सास के सामने क्या पजामा पकड़ के खड़ा होगा? बहुत नाराज हो जाएंगी इसकी सास, वो इससे तालुकात बाहर करने आ रही है। तुम्हें उनके मिजाज का नहीं पता क्या? बस अब ये बहुत हो गई ड्रामेबाजी है। चलो अब बताओ चाय पियोगे या शरबत बना के लाओ? ना चाय पियेंगे ना शरबत, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हाँ हाँ तो शौक से लो, तुम्हारा अपना घर है, जाओ जाओ। ये बताओ किचन किधर है और पकाया क्या है? अरे भैया क्या बताएं, बड़े दिनों से हमारे किचन में तो सिर्फ सादिश ही पक रही है। हाँ भाई देखो ना, बगैर चूल्हे के तो यही चीज पक सकती है। हाँ अच्छा बस अब जाओ आराम से बैठो, और वो बराबर में एक और कमरा भी है, अगर थक मच जाओ तो वहाँ पे सो जाना, तलाशी वलाशी लो। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। वैसे भी इक्तदार की सास की हिफाजत करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल, आज वो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। बेटा दुआ करो कि तुम भी उन्हें प्यारे लगो, हैं? वरना अच्छा नहीं होगा। आएंगी कब इतनी देर करके? और ये बताओ इक्तदार, तुम्हारे भैया किधर रह गए? जल रहे हैं, बोल रहे हैं और टहल रहे हैं। एक बार अंगूठी पहन दो, देखना अगले पिछले हिसाब ना क्लियर किया ना उन्होंने, तो मेरा नाम इख्तियार नहीं। भाईजान एक नाम ही तो रह गया, क्यों उसके दुश्मन हो रहे हैं? ये ट्रंक्स में क्या है? ओ बेबी, ना ये इख्तियार के लिए है ना ही इख्तदार के लिए, ये तो खबरी बेगम के लिए। ओ माय गॉड, ये आपका दामाद है, कोई बावर्ची नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि किसको किस मकाम पे रखना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं डांस भी कर सकता हूँ अगर पैसे मिले। वो तो अब तुम बगैर पैसों के भी करोगे। थैंक यू देखिए आप अपने आदमियों से कहकर मेरे हस्बैंड का अजारबन वापस करवा दीजिए, वो घर पे बैठे बंद है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अल्लाह करे बस तुम उन्हें प्यारे लग जाओ। हाय हाय इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई है तुम्हारी सास? अरे हाँ भैया किधर है तुम्हारे? भैया जल रहे हैं, भून रहे हैं और टहल रहे हैं। लो पहुंचने वाली,
घर से 10 किलोमीटर दूर तक तमाम पतंगे और परिंदे तक अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो आप क्यों भूल रहे हैं? भूलोगे तो अब तुम। एक बार अंगूठी पहन लो, देखना अगले पिछले हिसाब ना क्लियर किए ना उन्होंने तो मेरा नाम इख्तियार नहीं। भाईजान एक नाम ही तो रह गया, क्यों उसके दुश्मन हो रहे हैं? मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। सिर्फ 1.25 लाख? एक बार मेरी बात पक्की हो जाने दे, ऐसे हाथी होगी ना पूरी फौज, फौज फौज होगी मेरी। गलत फहमी है तुम्हारी, तुम भी बहादुर शाह जफर की तरह तहखाने में बैठे गा रहे होगे। ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी दिल का सुरूर। देख रही हैं आप भाभी, देख रही हैं आपने, देख रही हैं भाईजान को, इन्होंने कभी कभी मेरा भला नहीं चाहा भाभी। तो तुमने कौन सा भला चाहा है? घर में उनकी सिक्योरिटी है, बाहर उनकी हुकूमत है, तुम फूलों का हाल लेकर उनको रिसीव करने खड़े हो जाओ बस। हाय अल्लाह, इतनी धूम से बात पक्की करने आई है तो बारात कैसे लेकर आएंगे? जी हाँ, उसी मिसाइल पर तुम्हारे लाडले देवर को बिठाकर लेकर जाएंगी वो। चलते हो तुम। मैरी क्रिसमस। प्लीज पापा। हेलो आदिम। अब तक तो तुम इन दोनों के कहने पे सेलिब्रेट करती थी ना? जी, जब इन्होंने कहा हमने चुप करके ईद मना ली। अब से जो मैं कहूंगी, जब मैं कहूंगी, वो ही मनाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। होगा होगा। जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं खादम आपका, मैं कमदार साइड। आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल ठीक है। ये बताएं ये ट्रंक्स में क्या है? ओ बेबी, ना ही इख्तियार के लिए है ना ही इख्तदार के लिए, ये तो खबरी बेगम के लिए। ओ माय गॉड। बिल्कुल सही। अब पैसे के जोर पर घर वाली पर कब्जा कर लो, बहुत अच्छी पॉलिसी भाई। मिस्टर इख्तियार, अभी पॉलिसी बताई कहाँ है आपको? तो बताइए ना, इतनी देर क्यों कर रही हैं? हाँ बेबी, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम्हें बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पॉलिसी सिर्फ खबरी बेगम के लिए है और इसका फायदा सिर्फ इन्हीं को होगा। तो लगा लो मक्खन, लगा लो, लगा लो। जब ये इसी है तो बहुत सही है इसी। जाहिर सी बात है, जब घर के बजट का 60% तुम खा जाओगे तो ये आएंगे नहीं, बाकी 40% में से 20% ये इख्तदार खा जाता है। मैं कहाँ खाता हूँ, मेरे तो दो ही शौक है, फॉरेन ट्रिप्स और प्रॉपर्टी बस। ये ट्रंक्स में क्या है? देखो बेबी, इस चीज से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ओके अपने दामाद से बात करने का ये कोई तरीका नहीं। अच्छा, अब तरीका तुम मुझे सिखाओगे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसको किस मकाम पे रखना चाहिए। हाँ खबरी, मैंने सिक्योरिटी के लिए 2 आदमी भेजे थे, पहुँच गए थे? जी जी, वो अंदर आराम कर रहे हैं। ओह, तो अब मेरा ख्याल है कि ताल्लुकात बहाल होने की खुशी में कुछ पीना चाहिए। इस घर में पीने पिलाने पर पाबंदी। रियली? मिस्टर इख्तियार, तुम्हारा ध्यान एक ही तरफ क्यों चला जाता है? मुझे एक गिलास प्लेन वाटर मिलेगा? प्लेन वाटर या ब्लैक वाटर? मैं चाय बनाकर आती हूँ। नो खबरी नो, अब चाय तो ये मिस्टर इख्तियार बनाएगा। ये आपका दामाद है, कोई बावर्ची नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि किसको किस मकाम पे रखना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। टिश्यू प्लीज। टिश्यू? यस मैम, यस। आ रहे टिश्यू, गर्मी लग रही है आपको? यस। Now let's talk about the policy. खबरी, तुम्हें बहुत तंग किया ना इख्तदार इख्तियार ने? जी बस क्या बताऊं, जो इन लोगों ने कहा मैं चुप करके करती। How sweet, मिस्टर इख्तियार और मिस्टर इख्तदार, आज के बाद आप खबरी के किसी मामले में नहीं बोलेंगे। घर का सारा बजट इनके हाथ में होगा। हाँ, आपको सिर्फ पॉकेट मनी मिलेगी, वो भी अगर ये चाहे तो। कितनी मिलेगी? 30 रुपीज अ डे बस के सफर के लिए। और मिस्टर इख्तियार, आपका काम सिक्योरिटी का है, इसलिए आपको सिर्फ यूनिफॉर्म और जूतों के लिए पैसे मिलेंगे। तो क्या बंदूक में जूते रखकर चलाऊंगा? अगर आपने अपना काम पहले से किया होता तो आज ये ना होता। सो प्लीज खबरी, तुम बिजनेस शुरू करोगी और उसके लिए फंड्स मैं तुम्हें दूंगी। ये ठीक है, बस काम हो गया। अब ठीक है, मैं इनकी हेल्प करूंगा। नो, इनकी हेल्प मेरे आदमी करेंगे, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग से लेकर प्रॉफिट तक। वेयर इज द गर्ल, वो क्या नाम था उसका? तमन्ना। तमन्ना कहाँ है? उसे आपके आदमी ले जा चुके हैं। पुअर गर्ल, ढोल बहुत पीटती है ना। तमन्ना को बुलाओ। टिश्यू प्लीज। आइए। यस यस मैम, जल्दी लाओ। जी ला रहा हूँ।